नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा भट्ट। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। गैंगस्टर अतीक अहमद को वापस अहमदाबाद से साबरमती जेल ले जाया जा रहा है, जो आज शाम तक अहमदाबाद पहुंचेगा। इससे पहले प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उसे 17 साल पुराने अपहरण केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके खिलाफ 101 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन ये पहला केस है जिसमें अतीक को सजा मिली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगी। ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार बंगाल की योजनाओं के लिए पैसे नहीं दे रही है। केंद्र की ओर से 7000 करोड़ रुपए की बकायदा राशि बंगाल को नहीं दी गई है। वहीं टीएमसी के सभी सांसद भी लोकतंत्र, संघवाद और संसद बचाओ के मुद्दे को लेकर आज सुबह 10 बजे संसद भवन में अम्बेडकर प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अफगानिस्तान में आज सुबह 5:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। भूकंप का केंद्र काबुल से 85 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर था। वहीं भूकंप से अभी तक किसी तरह के जानमान के नुकसान की खबर नहीं आई है। देश की राजधानी दिल्ली समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में हाल ही में जमकर बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान में कमी आई है। हालांकि आज से एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में भी आज से बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। ईरान की संसद ने महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर एक नया कानून बनाया है। इसके तहत अगर वो हिजाब नहीं पहनेंगी तो उन्हें 49 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। ईरान के सांसद हुसैनी जलाली ने इसकी पुष्टि की है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा आम बैंकों के पैसे को अडानी पर लूटने और राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीने जाने के साथ ही तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस 29 मार्च यानी आज से जय भारत सत्याग्रह करेगी, जो 8 अप्रैल तक चलेगा। ब्रिटेन में भारतीयों के बढ़ते दबदबे से श्वेत नस्लवादी अंग्रेज परेशान हो रहे हैं। भारतवंशी ऋषि सुनक के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नस्लवाद समर्थक अंग्रेज गुटों का मानना है कि पहले से ही रुतबा जमा चुके भारतीय और मजबूत हो रहे हैं। इससे भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम बढ़ रहा है। ब्रिटिश पुलिस के अनुसार भारतीयों के खिलाफ मार्च 2022 से मार्च 2023 में हेट क्राइम 58,557 मामले हुए हैं। पड़ोसी देश भूटान के प्रधानमंत्री लोते थेरिंग ने डोकलाम इलाके के विवाद को 3 देशों का विवाद करार किया है। उनका कहना है कि डोकलाम विवाद को भारत, चीन और भूटान को मिलकर सुलझाना चाहिए, क्योंकि इस विवाद में तीनों ही देश बराबर के जिम्मेदार और हिस्सेदार हैं। फिलहाल सुबह की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।